तो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली जो है अपडेट आ चुका है माई टीवी में एंड्रॉयड 9 का। तो सच में बहुत ही कमाल का अपडेट है। मैं टीवी को स्टार्ट करता हूँ और देख सकते हैं स्टार्टिंग पेज कैसा, जो स्टार्टअप होता है वो कैसा देखने में लगता है। तो आप देख सकते हैं माई टीवी स्टार्ट हो रहा है और जो स्टार्टअप पेज आता है वो बहुत ही कमाल का अब हमें देखने को मिलेगा। पहले सिंपल सा पेज हमें देखने को मिलता था, बट अब जो है बहुत ही कमाल का स्टार्टअप पेज दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एंड्रॉयड का पूरा ही बकायदे से पूरा वीडियो टाइप से आता है। बहुत ही कमाल का लगता है इस तरह का स्टार्टअप। तो इसको मैं फटाफट से फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। उसके बाद लिखा आता है एंड्रॉयड और ये आप देख सकते हैं टीवी जो है स्टार्ट हो चुका है। ब्लू कलर का पूरा ही थीम आता है और उसके बाद जो है टीवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये मतलब पैच वॉल्स पे चला जाता है। बट इसमें जो है अब आप एंड्रॉयड 9 का जो है आप अपडेट कर चुके हैं। तो मैंने जो है टीवी अपडेट कर लिया है। मैं सबसे पहले बता देता हूँ कैसे आपको अपडेट करना है। तो सबसे टॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो सबसे पहले जाना है और टॉपर मोस्ट ऑप्शन में आपको बटन में ये जो वॉल्यूम वाला वॉल्यूम बटन दिया हुआ है ये आपको टॉप करना है। और उसके बाद जो है राइट साइड क्लिक करके पहले तो आपको अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेना है अपडेट करने के लिए। उसके बाद आपको जो है सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके जो है आपको ये ऑप्शन देख रहे हैं तो स्क्रॉल करते करते नीचे आना है और एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करके उसके बाद आपको एक ही ऑप्शन आएगा नेटवर्क का, इनपुट का, इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो नीचे आपको डिवाइस प्रेफरेंस पे जाना है, जो सबसे नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है तो उस पर क्लिक करके उसके बाद आपको अबाउट सेक्शन पे जाना है। अबाउट सेक्शन पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं सिस्टम अपडेट दिखा रहा है, बट ये आप नीचे की तरफ देख सकते हैं वर्जन मेरा 9 दिया हुआ है। तो ये मेरा ऑलरेडी अपडेट हो चुका है तो एंड्रॉयड 9 दिखा रहा है। बट ये आप देख सकते हैं सिस्टम अपडेट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ ये ऑलरेडी जब नेट से कनेक्टेड रहेगा तो ये चेक कर लेगा और ये दिखा रहा है योर सिस्टम इज़ अप टू डेट। तो मेरा ऑलरेडी अपडेट हो चुका है और ये ऑलरेडी अपडेट हो चुका है मेरा वर्जन जो कि है एंड्रॉयड का 9.0, जो कि 9.5 हमें अपडेट देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही कमाल का दिया हुआ है ये, आप देख सकते हैं पाई का ये पूरा ही थीम आ रहा है। तो ये मेरा अपडेट हो चुका है एंड्रॉयड 9.5 में। अब मैं इसको बैक करता हूँ। बाकी चेंजेस की बात करते हैं, क्या जो है चेंजेस आ चुके। पहले बहुत सारे इशू आ रहे थे, यूट्यूब नहीं चलता था, बहुत सारे ऐप्स नहीं चलते थे और यूट्यूब नहीं चलता था सबसे बड़ा मेन इशू आ रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी कि यूट्यूब नहीं चलता था। तो अब वो सारी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो चुकी हैं, पूरा ही मतलब अपडेट हो चुका है एंड्रॉयड 9 में और बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको क्रोमकास्ट हो गया। तो ये जो पहले होम बटन था और ये जो 3 लाइन बटन था वो डिफरेंट वर्क करता था, पर अब जो है जैसे ही आप होम बटन पे प्रेस करते तो डायरेक्ट आपको पूरे एंड्रॉयड वाले सेटअप पे लेकर जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मैं होम वाली बटन दबा रहा हूँ और देख सकते हैं ये पूरा आ सकता है। और जो 3 लाइन वाली बटन है उसको आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आप पैच वॉल्स पे चले जाएंगे। तो वो आपकी विश है, आपको चलाना क्या है, पैच वॉल चलाना है या फिर एंड्रॉयड वाला पूरा ही सेटअप चलाना है। तो मैं तो एंड्रॉयड पे ले चलता हूँ और दिखा देता हूँ कैसे कैसे वर्क करता है। तो ये आप देख सकते हैं एंड्रॉयड का पूरा ही अपडेट हमें देखने को मिल गया। साथ में आपको गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, बट उसके लिए आपको अलग से एक्सेसरीज माइक वगैरह लगाना पड़ेगा तब जो वर्क करेगा, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे वर्क नहीं करता है वॉइस वाला। तो उसके लिए आपको एडिशनल यूज़ करना पड़ेगा कोई चीज़ें। और बाकी जो है इसमें आपको एडिशनल क्रोमकास्ट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं एडिशनल व्यू फोन मीडिया, तो ये आपको क्रोमकास्ट वगैरह भी एडिशनल देखने को मिलेगा। आप अपने फ़ोन को कम्प्लीटली मिरर कर सकते हैं विदाउट एनी लैग, तो आपको लैग भी देखने को नहीं मिलेगा। साथ में आप मीडिया प्लेयर देखने को मिलेगा, लाइव टीवी आप देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं और गूगल के एडिशनल जितने भी ऐप्स वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं इसमें कम्प्लीटली बिल्कुल फ्री, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और साथ में आपको इस तरह के पैच वॉल्स के ऑप्शन हैं और साथ में फेसबुक वॉच ओरिजिनल्स, ये सब रिकमेंडेशन, प्ले म्यूज़िक हमें देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है गूगल्स के जो म्यूज़िक है वो सब कुछ आप प्ले कर सकते हैं इजीली। तो इस तरीके के आपको सारी सेटिंग्स हमें देखने को मिल जाती है। हम यूट्यूब चला के देख लेते हैं यूट्यूब कैसे जो वर्क करता है, ईजिली वर्क करता है कि नहीं। तो ये मैं यूट्यूब को प्ले करता हूँ और देख सकते हैं यूट्यूब बहुत ही ईजिली जो स्टार्ट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का लगता है। पहले जो है बहुत इशू आ रहा था मुझे भी यूट्यूब चलाने में, क्योंकि यूट्यूब ही नहीं चल रहा था, पूरा ये ऐप रिमूव हो चुका था। इसके जो एडिशनल MIUI वर्जन था वो ऐप जो है रिमूव कर दिया था पूरा ही कम्प्लीटली। तो बाकी जो है ये आप देख सकते हैं कम्प्लीटली यूट्यूब भी जो है फुल HD वीडियो आप देख सकते हैं कम्प्लीटली। तो आपको जो है वीडियो में कोई भी इशू फेस नहीं होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं यूट्यूब पे भी। डिफरेंस और क्या क्या आ गए हैं इसमें, ये कि जैसे ही आप वॉल्यूम बटन दबाते हैं तो पहले आपको 100 तक का वॉल्यूम देता था, बट अब जो है वॉल्यूम जो देता है वो कम्प्लीटली सिर्फ 50 तक का ही वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगा। बट वॉल्यूम की जो क्वालिटी है वो पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर हो चुकी है, बहुत ही कमाल की हो चुकी है।
बट एक इसमें ड्रॉबैक ये है, बक्स ये है कि इसमें आपको जो इक्वलाइजर वगैरह है वो वर्क नहीं करता है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो अगला अपडेट आएगा उसमें आपको जो है वो सारे इश्यू सॉल्व हो जाएंगे। बाकी साउंड क्वालिटी पहले से बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दी गई है, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस हो गया साउंड क्वालिटी का भी। और सेटिंग्स में हम चल के और भी कुछ फंक्शंस देखते हैं, जैसे कि आपका हो गया ऐप्स वगैरह, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है असाइन कर सकते हैं, आप अपने डिवाइस का नेम भी डाल सकते हैं। और बाकी जो है डिवाइसेस परफॉर्मेंस में हम देखते हैं, पहले तो हम इनपुट्स में देख लेते हैं इनपुट्स में क्या क्या हमें सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आप जो है इनपुट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं स्ट्रे ऑन द प्रीवियस सोर्स, तो ये ऑप्शन जो है बहुत ही अच्छा दे दिया है इस अपडेट में, क्योंकि पहले ये इशू आता था जैसे ही टीवी ऑन होती थी डायरेक्टली सीधे होम पे जाता था। बाय डिफॉल्ट जो है अगर मैं आप सेटअप बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ या फिर कोई एयरटेल टीवी का डिश टीवी यूज़ कर रहा हूँ तो उस पर नहीं जाता था, मेरे को बार बार जो है मतलब फिर से जो है स्टार्ट करना पड़ता था, HDMI वाला पोर्ट जो है स्टार्ट करना पड़ता था। बट अब इस ऑप्शन जो है वो प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व हो चुका है, लिखा हुआ स्टे ऑन द प्रीवियस सोर्स, तो अगर आप इसको ऑन कर देते हैं ये ऑन हो चुका है। तो अगर मैंने लास्ट जो है D2H को मैंने देखा था, D2H HDMI पोर्ट के थ्रू मैंने देखा था और उसी में ही मैंने टीवी ऑफ किया था, फिर से मैं ऑफ करूंगा तो डायरेक्टली वो D2H पे ही आएगा, ना तो पैच वॉल्स में आने वाला ना एंड्रॉयड वाले पेज पे आने वाला, डायरेक्टली जो है वो D2H वाले पेज पे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन मेरे को सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इरीटेटिंग था कि बार बार मेरे को कनेक्ट करना पड़ता था, डायरेक्टली जो है MI का होम पेज आ जाता था, तो वो बहुत ही बेकार था। ये ऑप्शन से जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन था। बाकी जो और भी टीवी पावर ऑन वाले ऑप्शन देखने को मिले, डिवाइस ऑटो पावर ऑफ हो जाएगा, और बाकी HDMI पोर्ट वगैरह और भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन भी देखने को मिल जा रहा है, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और एक और नई चीज़ इसमें वो ये है कि टीवी लॉक, तो ये आप देख सकते हैं आप टीवी को जो है पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं। कभी कोई एग्ज़ाम्स वगैरह आपके फैमिली में चिल्ड्रंस वगैरह हैं छोटे छोटे हैं और वो टीवी बहुत देखते हैं, एग्ज़ाम्स के टाइम में भी नहीं छोड़ते हैं, तो आप जो है टीवी को लॉक कर सकते हैं, तो आपके अलावा फिर कोई भी टीवी देख नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है, क्योंकि टीवी का प्रॉब्लम जो है हर फैमिली में होता है, क्योंकि बच्चे टीवी छोड़ते नहीं, कार्टून नेटवर्क दिन भर देखेंगे, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा हो गया, सॉल्व हो चुका है। टीवी में आप पासवर्ड लॉक लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से और जो है टीवी बच्चे ऑन नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन लगा, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि आप जो अपने बच्चों को जो है टीवी से थोड़ा सा दूर रख सकते हैं। और बाकी जो है गूगल असिस्टेंस वगैरह भी सब कुछ देखने को मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग पैच वॉल्स एंड्रॉयड जैसा भी आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम ये है कि अभी ये सिस्टम जो है उतना अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि जो है अगर आप साइमल्टेनियसली अगर आप इसमें हॉटस्टार वगैरह भी देख रहे हैं फिर यूट्यूब भी देख रहे हैं तो आपको टीवी में लैग देखने को मिल जाएगा। तो वो इशू सॉल्व करने के लिए आप जो है कोशिश करिएगा लिमिटेड ऐप्स यूज़ करें। अगर आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप जो है साइमल्टेनियसली कोई और ऐप न यूज़ करें, तब जो है आपको एक बैलेंस जो है आपको देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस, नहीं तो आपको जो है लैग बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कोशिश करके आप जो है इसमें अवॉइड करेंगे कि आप जो है मल्टीटास्क कम करें, आप सिंगल सिंगल टास्क जो है एट अ टाइम करें। तो ये थे कुछ इसके अपडेट, जो है बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिला इस अपडेट को लेकर। बाकी MI TV 4A 4A Pro ये सब जो है सब कुछ सिमिलर हो चुके हैं, कोई भी अब डिफरेंस नहीं रहा है, क्योंकि ये सारे अपडेट सब टीवी में आ चुके हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है और बहुत ही अच्छा अपडेट हुआ है MI की तरफ से।